एलपीजी सिलेंडर पर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में 50 रुपये बढ़े हैं, जिसकी वजह से अब एलपीजी सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 1053 रुपये का हो गया है। दिन पर दिन लगातार महंगाई की मार से लोग जूझते आ रहे हैं। वहीं किचन चलाने वाली महिलाएं, जो कि गृहिणी महिलाएं हैं, उन्होंने इस बढ़े हुए रेट पर क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको कि दिल्ली में महिलाएं इस बढ़े हुए बजट की वजह से, जिस तरीके से जो सिलेंडर पर रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर दिल्ली में अलग अलग महिलाएं क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, सरकार को किस तरीके से कोस रही हैं वो सुनवाते हैं कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 50 रुपये पर से सिलेंडर जो बढ़ाया गया उससे उनका बजट कितना बिगड़ गया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात किया है तो उस पर 18 रुपये घटाए गए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते हुए सिलेंडर की वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनवाते हैं कि राजधानी दिल्ली में बढ़े हुए सिलेंडरों के दाम पर महिलाओं ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी और किस तरीके से उनका बजट जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ डेली हंट पर भी आप आरसो न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज कुमार के साथ शुभम कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रेनू। आज सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा दिए गए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई हो रही है, पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, फिर 800 का हुआ, फिर 900 का हुआ, सीधे डायरेक्ट 1100 रुपये का हो गया, तो अब बंदा कहाँ से कमाएगा? क्या महंगा, इतनी महंगाई है, क्या कमाएगा, क्या जोड़ेगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा, बताओ। कम तो करना चाहिए ना सरकार को, इतना पैसा कहाँ से करेगा? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? कि रेट कम करे जाए सिलेंडर के। बता दीजिए। बेबी से। बेबी, 50 रुपये आज सिलेंडर पर बढ़ चुके हैं जी सर, तो कितना असर पड़ेगा रसोई पर, ये बताएं मुझे आप। बहुत ज़्यादा सर। किस तरीके का? घरेलू जो है बजट सही नहीं चलेगा। अच्छा जी, तो परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो घर में 4 लोग कमाते हैं या? नहीं सर, एक लोग कमाते। तो अभी 50 रुपये बढ़ाए तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना ज़्यादा सर बजट ना बढ़े तो सही है, लेकिन बढ़ाते ही जा रहे हैं, बार बार बढ़ाते ही जा रहे हैं। मीना। मीना जी, जो सिलेंडर पे आज रेट बढ़ा उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर कहना चाहिए, इतनी महंगाई बढ़ी, कहाँ से इतना खर्चा उठाऊँ मैं रसोई काम, कहाँ से लाऊँ इतना पैसा, हर महीने पैसा बढ़ जाता है, हर महीने सिलेंडर बढ़ रहे हैं, रसोई खर्चे बढ़ रहे हैं, कहाँ से लाऊँ इतना पैसा, हम कैसा खर्चा चलाऊँ पूरा। अच्छा, तो क्या कोई मांगे हैं आपकी सरकार से, जो महंगाई को लेकर कुछ सरकार से कहना चाह रहे हो? हाँ, तो कहने चाह रहे हैं, बंदा कर जाए गैस, रसोई खर्चा चला जाए, मंद कैसा होगी इतने इतने पैसों में, बताओ। अब 50 रुपये और बढ़ा दिए तो क्या करना चाहिए? कितने का हुआ है सिलेंडर, कुछ पता है? 1050 का हो गया। आप पहले 1000 रुपये का था, उससे पहले 400 रुपये का ही था, बताओ। अब इतने इतना महंगा बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं अभी तक पैसे, क्या करना चाहिए? मेरा नाम राजकुमारी है। सारे बहुत फर्क पड़ रहा है। अब आमदनी 1 रुपया खर्चा है, 10 रुपया तो पूरा ही फर्क पड़ रहा है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि काका, तो जहर तो एक संग एक फ्री पे ला रहे हो, एक संग एक फ्री कर रहे हो और सारा सामान महंगा कर रहे हो। क्या नाम है आपका? अनीता। एक बार फिर से रसोई का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, सरकार ने 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे आदमी का कमाई कम है, हर महीने सिलेंडर का 50 रुपया बढ़ता जा रहा, हम लोगों को कमर तोड़ रखा, हम लोग कैसे सिलेंडर छुड़ा सकते हैं? आगे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, सिलेंडर का दाम कम कीजिए। अभी घर में कितने लोग हैं? हम लोग 5 लोग हैं। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा वही आदमी बेलदारी करता है तो उसी में से थोड़ी बहुत मिलता है, तो हम लोग एडजस्ट करते हैं।